Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education and I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Study College, University of Allahabad, and it is my email ID and today I am going to discuss, we are discussing the topic of emotional intelligence, emotional development, and now it is the turn of emotional competence. Okay, and the lecture will be useful for various certain teaching examinations and do subscribe my channel and the lecture will be in bilingual mode. Okay, so let's start without wasting much time. So, emotional intelligence ki humne kal hi baat ki thi, kal hi humne aap se share kiya tha ki emotional intelligence kya hai, samvegatmak buddhi hai na, aur kaise ye concept emerge hua aur kya iski khasiyat hai, kya iska maayne hai, ki emotional intelligence ke maayne humne samjhe the ki परसीव करना, रेगुलेट करना, मैनेज करना, कंट्रोल करना इमोशंस को, अपने इमोशंस को भी और दूसरे के इमोशन को, तभी हम इमोशनली इंटेलिजेंट हो सकते हैं. तो ये इमोशनल कॉम्पिटेंस आ गया. क्या कैसे रिलेशनशिप में है इमोशनल इंटेलिजेंस और इमोशनल कॉम्पिटेंस? तो इमोशनल इंटेलिजेंस की कई अप्रोचेस है. देखिए, बहुत सारा रिसर्च वर्क हुआ है, बहुत सारी थियोरीज आई हैं, बहुत सारे इस पर काम हुआ है, लिटरेचर अब हमारे पास बहुत है इमोशनल इंटेलिजेंस पे. तो तीन अप्रोचेस मेनली हमको मिलती हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की. बाद में एक सम अप करके एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की भी बात कर ली गई, उसका जिक्र हम यहाँ नहीं कर रहे हैं. तो जो मेन तीन अप्रोचेस, थ्री मेन अप्रोचेस इमोशनल इंटेलिजेंस की, वो कौन कौन सी है? पहला है मॉडल ऑफ इमोशनल क्वेश्चन जो बारॉन ने 1997 में दिया, फिर मॉडल ऑफ इमोशनल एबिलिटीज, और तीसरा है आपका मॉडल ऑफ इमोशनल कॉम्पिटेंस नेक्स्ट स्लाइड में जो कि डेनियल गोलमैन ने दिया है. तो क्या है ये अप्रोचेस, मतलब कि किस किस उपागम से, कैसे कैसे आप इमोशनल इंटेलिजेंस को देख सकते हैं, किस किस एंगल से? तो इमोशनल क्वोशेंट का मॉडल क्या कहता है कि इट्स सेंटर्ड ऑन द जनरल वेलबींग एंड मेजर्ड विद द इमोशनल क्वोशेंट इन्वेंटरी. यानी कि ये मॉडल बात करता है जनरल वेलबींग पे, है ना, कि सब कुशल खैरियत हो साधारण. दिस इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज ए मिक्सड मॉडल वेयर इमोशनल इंटेलिजेंस इज रिगार्डेड एज ए मिक्स ऑफ स्किल्स. यहाँ पे कहते हैं कि इस हिसाब से अगर हम इमोशनल क्वेश्चन के मॉडल से इमोशनल इंटेलिजेंस को देखेंगे तो हम क्या पाएंगे कि वो क्या है, इज रिगार्डेड एज ए मिक्स ऑफ स्किल्स, बहुत सारी कौशलों का ये मिश्रण है जिसमें क्या क्या है, इमोशनल अवेयरनेस आएगा, ट्रेट्स आएंगे सच एज परसिस्टेंस एंड डिजायरेबल बिहेवियर. ये कौन सा मॉडल कह रहा है इमोशनल क्वोशेंट का, जैसे इंटेलिजेंस क्वोशेंट, वैसे इंटेलिजेंस के सापेक्ष इंटेलिजेंस क्वोशेंट, उसी तरह से इमोशनल इंटेलिजेंस के सापेक्ष इमोशनल क्वोशेंट की बात हो रही है. तो ये सिर्फ एक अप्रोच है. अगर हम मॉडल ऑफ इमोशनल एबिलिटीज के हिसाब से देखें तो ये किसका मॉडल है, ये पीटर मेयर और सेलोवे, जॉन मेयर और पीटर सेलोवे का कंसेप्ट है कि इन्होंने क्या कहा, इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट बहुत लोगों ने फिर मेजर करने के लिए बनाया है कि कैसे कैसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस को नाप सकते हैं. तो इन दिस अप्रोच इमोशनल इंटेलिजेंस इज रिगार्डेड एज ए सेट ऑफ स्किल्स. ये भी कह रहे हैं कि सेट ऑफ स्किल्स है, क्या है, दैट इज सपोज टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द इवेल्युएशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, टू एन इफेक्टिव इमोशन रेगुलेशन एज वेल एज टू द यूज ऑफ इमोशंस टू मोटिवेट प्लान एंड सक्सेस इन लाइफ. पिछले हमने इमोशनल इंटेलिजेंस की जब बात की थी, जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो हमें यही वाली डेफिनेशन मिली थी. क्यों? क्योंकि ये नहीं, मेयर और सेलोवे की ही डेफिनेशन थी. तो यहीं से आया है ये कि ये इमोशनल इंटेलिजेंस को मान रहे हैं कि सेट ऑफ स्किल्स है, कौशलों का समूह है, समुच्चय है, जो कि क्या करता है, कॉन्ट्रीब्यूट करता है, योगदान देता है अपना, किसमें, ताकि हम इवेल्युएट कर सकें, यानी जांच सकें, आकलन कर सकें, मूल्य दे सकें अपने इमोशन को एंड एक्सप्रेशन, और उसको अभिव्यक्त कर सकें, टू एन इफेक्टिव इमोशन रेगुलेशन एज वेल, और हमको रेगुलेट भी करना है, प्रभावपूर्ण तरीके से अपने संवेगों को रेगुलेट करना है, जिससे कि क्या हो सके, एज टू द यूज ऑफ इमोशंस, जिससे हम संवेगों का इस्तेमाल कर सकें, किसमें, टू मोटिवेट प्लान एंड सक्सीड इन लाइफ, जिससे हम अपने जीवन में सफल हो सकें, योजना बना सकें, अभी प्रेरित हो सकें, कब, जब हम इमोशंस का बेहतर यूटिलाइजेशन करेंगे, बेहतर रेगुलेशन करेंगे, उनको इवेलुएट कर पाएंगे, उनको एक्सप्रेस कर पाएंगे. ये मॉडल किसका है, मेयर एंड सेलोवे का, और ये इमोशनल इंटेलिजेंस को इस एंगल से देखता है. अब जो नेक्स्ट मॉडल है, मॉडल ऑफ इमोशनल कॉम्पिटेंस, यानी कि इमोशनल कॉम्पिटेंस इमोशनल इंटेलिजेंस को समझाने का एक मॉडल है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं. इट इज फोकस्ड ऑन दोज बिहेवियर्स दैट लीड टू परफॉर्मेंस एंड मेजर्ड विद द इमोशनल कॉम्पिटेंस इन्वेंट्री, ECI, है ना, इमोशनल कॉम्पिटेंस इन्वेंट्री, तो एब्रिविएशन इसका ECI हो गया. और ये किस पे फोकस करता है, उस तरीके के व्यवहार पे जिससे कि हम परफॉर्मेंस हमारी बढ़िया हो जाए, हम बिल्कुल बढ़िया परफॉर्म करने लगे. इन दिस मॉडल इमोशनल इंटेलिजेंस इज सीन एज ए लार्ज अरे ऑफ डिस्पोजिशंस एंड कॉम्पिटेंसीज दैट
वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल ट्रेट्स टू लर्नड एबिलिटीज। यानी कि इस मॉडल से अगर हम इमोशनल इंटेलिजेंस को देखेंगे तो पाएंगे कि बहुत तरीके के डिस्पोजिशंस और कॉम्पिटेंसीज का समूह है जिससे जो कि वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल ट्रेट्स टू लर्नड एबिलिटीज, यानी कि वो हमारे अंदर वो गुण हो सकता है या हमने उसको सीखी हुई योग्यता हो सकती है, मतलब इसका वेरिएशन बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर एक हमको इमोशनल कॉम्पिटेंस की बात मिलती है जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस की थ्योरी उसका लिटरेचर पढ़ते हैं। तो अब जानते हैं इमोशनल कॉम्पिटेंस को डिफाइन कैसे करेंगे। इमोशनल कॉम्पिटेंस मतलब है क्या? संवेगात्मक दक्षता, हम इतने दक्ष हो जाएं अपने संवेगों को एक्सप्रेस करने में। तो इमोशनल कॉम्पिटेंस क्या है? इट रिफर्स टू एन इम्पॉर्टेंट सेट ऑफ पर्सनल एंड सोशल स्किल्स। ये कुछ नहीं है बल्कि हमारी जो व्यक्तिगत और सामाजिक कौशलों का ये सेट है जिससे हम क्या कर सकते हैं, फॉर आइडेंटिफाइंग, इंटरप्रेटिंग एंड कंस्ट्रक्टिवली रिस्पॉन्डिंग टू इमोशंस इन वनसेल्फ एंड अदर्स, जिससे कि हम अपने और दूसरों के इमोशंस को पहचान पाएंगे, उनकी सही व्याख्या कर पाएंगे और कंस्ट्रक्टिवली रिस्पॉन्ड करेंगे। फिर और क्या है इमोशनल कॉम्पिटेंस, और किस तरह से समझ सकते हैं? इमोशनल कॉम्पिटेंस रिफर्स टू ए पर्सन्स कॉम्पिटेंस, ठीक, एक व्यक्ति की दक्षता है। किस क्षेत्र में दक्षता है? इन एक्सप्रेसिंग और रिलीजिंग देयर इमोशंस होना चाहिए। देखिए कहीं ना कहीं टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। इन एक्सप्रेसिंग और रिलीजिंग देयर इमोशंस, यानी कि व्यक्ति अपने संवेगों को अभिव्यक्त कर पाए और उसको कब हमको कौन सा इमोशन शो करना है, ये अगर हमारे पास कॉम्पिटेंस है इसका मतलब ये इमोशनल कॉम्पिटेंस का हिस्सा है। द कंसेप्ट ऑफ इमोशनल कॉम्पिटेंस इज रूटेड इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशंस, यानी कि इसका हमको जड़ें कहाँ मिलती हैं, इनकी जड़ें वहां जाके मिलती हैं जो ये बताता है कि इमोशंस एज बीइंग नॉर्मल, यानी कि इमोशनल होना कोई गुनाह नहीं है। इमोशंस जो है वो साधारण चीज है, वो नॉर्मल चीज है, वैसा होना चाहिए। यूजफुल एस्पेक्ट्स ऑफ बीइंग ह्यूमन, अगर हम ह्यूमन हैं तो हम इमोशनल होंगे ही होंगे। अगर हम इमोशनल नहीं है इसका दैट मींस कि हम ह्यूमन बीइंग्स भी नहीं है ना। मनुष्य होने की खासियत है कि हमारे पास संवेग होंगे, लेकिन हमको उनको कैसे कब रिलीज करना है ये हमको इमोशनल कॉम्पिटेंस बताता है। और इमोशनल कॉम्पिटेंस को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? इट इज द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन हैज टू एक्सप्रेस हिज और हर ओन इमोशंस विद कंप्लीट फ्रीडम, यानी कि हमको संपूर्ण स्वतंत्रता हो कि हम किस तरह से अपने हमको इमोशंस की अभिव्यक्ति करनी है। एंड इट इज डिराइव्ड फ्रॉम इमोशनल इंटेलिजेंस, और इस कहीं और से नहीं आया है, ये इमोशनल इंटेलिजेंस से ही निकलकर इमोशनल कॉम्पिटेंस आ रहा है, विच इज द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई इमोशंस, है ना। हम इमोशनल इंटेलिजेंस में आइडेंटिफाई करते हैं, आप ये कह सकते हो। इमोशनल कॉम्पिटेंस में हम एक्सप्रेस करना सीखते हैं, रिलीज करना सीखते हैं, किसको? इमोशंस को। ये इमोशनल कॉम्पिटेंस का फ्रेमवर्क है, देखिए डेनियल गोलमैन का दिया हुआ। अगर हम थियोरेटिकल पेपर कर रहे हैं, मतलब हम सब्जेक्टिव पेपर कर रहे हैं और हमसे इमोशनल कॉम्पिटेंस पे लॉन्ग क्वेश्चन लिखने को आता है तो हमको ये फ्रेमवर्क बताना पड़ेगा। और ऑब्जेक्टिव में तो कहीं से भी सवाल बन सकता है कि पर्सनल कॉम्पिटेंस, सोशल कॉम्पिटेंस है, किसके कितने सब पार्ट हैं, किसके कितने हैं, कुछ भी पूछ सकता है। ये वाला किस में अंतर्गत आता है, ये किसका सब पार्ट है, तो आपको इसको याद करना ही करना है। तो इमोशनल कॉम्पिटेंस फ्रेमवर्क के दो मुख्य हिस्से हो गए, पहला पर्सनल कॉम्पिटेंस और दूसरा सोशल कॉम्पिटेंस। फिर पर्सनल कॉम्पिटेंस के तीन पार्ट हैं, यानी कि हमको व्यक्तिगत दक्षता कहाँ से आएगी, अगर हम मतलब कि हम क्या समझ पाए, सेल्फ अवेयरनेस, हमारे अंदर अपने आप को जाने, सेल्फ रेगुलेशन, फिर उसको रेगुलेट करें, और सेल्फ मोटिवेशन, और फिर मोटिवेट हो अच्छा काम करने के लिए, बेहतर काम करने के लिए, कोलैबोरेशन के लिए, कॉन्फ्लिक्ट दूर करने के लिए, ये सारी बातें इसमें। फिर दूसरा इसका हिस्सा क्या है, सोशल कॉम्पिटेंस, वहां क्या होगा ये बाद में देखेंगे। तो सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन और सेल्फ मोटिवेशन के भी बहुत सारे सब पार्ट्स हैं। जैसे कि सेल्फ अवेयरनेस को अगर हम तोड़ना चाहें तो उसको तीन सब पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। इमोशनल अवेयरनेस, सबसे पहली बात, सेल्फ अवेयरनेस में अवेयर होना किसके प्रति है, इमोशंस के प्रति। तो पहले तो हम इमोशंस के प्रति अवेयर हों। फिर एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट, मतलब एकदम सटीक आकलन हमको करना है कि हमारे कौन से इमोशंस से हम इस वक्त डील कर रहे हैं। और फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस, फिर उसको कैरी करना करने का हमारे पास कॉन्फिडेंस हो। फिर सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ रेगुलेशन में क्या आ जाएगा, सेल्फ कंट्रोल, ट्रस्टवर्दीनेस, कंसेंटियसनेस, एडेप्टेबिलिटी, इनोवेटिवनेस। फिर सेल्फ मोटिवेशन, तो मोटिवेशन में अचीवमेंट ड्राइव, हमको अचीव करने के लिए कोई ड्राइव हो हमारे पास, कमिटमेंट हो, इनिशिएटिव हो, ऑप्टिमिज्म हो, कितने सारे हैं देखिए। तो आपको 3, 5, 8, 4, 12 सब टाइप्स, सब हेडिंग्स याद करनी पड़ेगी पर्सनल कॉम्पिटेंस के अंतर्गत। फिर दूसरा क्या है, सोशल कॉम्पिटेंस, कैसे हम सामाजिक रूप से दक्ष है, मतलब हम अपने इर्द गिर्द वालों से कितना बेहतर बिहेव करते हैं। अगर हम पर्सनल कॉम्पिटेंस हमारे पास अच्छा है, इसका मतलब हम खुद को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन सिर्फ खुद को जानने से काम नहीं चलेगा, जिनसे हम घिरे हुए हैं उनको भी हमको जानना समझना है। तो इसमें दो हमारी सबसेट काम आएंगे, सोशल अवेयरनेस और सोशल स्किल्स। फिर सोशल अवेयरनेस में क्या है, मतलब सामाजिक रूप से हम कितने जागरूक हैं,
कितने जागरूक हैं, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इम्पेथाइज करना पड़ेगा, तद अनुभूति रखनी पड़ेगी अपने सामने वाले के साथ, सर्विस ओरिएंटेशन हो हमारे पास, डेवलपिंग अदर्स, लिबरेजिंग डाइवर्सिटी, पॉलिटिकल अवेयरनेस, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिस जो ये प्रूव करते हैं, जो ये मिलकर हमको सोशली अवेयर बनाते हैं। और सोशल स्किल्स की तो मतलब आप बात ही रहने दीजिए, इन्फ्लुएंस, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, चेंज कैटलिस्ट, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, बिल्डिंग बॉन्ड्स, कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन और टीम कैपेबिलिटीज, मतलब हम कितना हमारा कम्युनिकेशन बढ़िया है, कितना हम लीडरशिप स्किल हमारे पास है, हम चेंज कैटलिस्ट की तरह से बिहेव कर पाते हैं कि नहीं, मतलब हम कहीं परिवर्तन ला पा रहे हैं कि नहीं, हम कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर पा रहे हैं, द्वंद की स्थिति है तो उसको मैनेज कर सकते हैं कि नहीं, हम बॉन्ड्स बना के चलते हैं कि नहीं, हम कोलैबोरेशन कर रहे हैं कि नहीं, हमारे पास टीम को हैंडल करने की कैपेबिलिटी है कि नहीं। तो मतलब सोशल स्किल्स आर सच सो इन्यूमरस। तो इमोशनल कॉम्पिटेंस के दो सब पार्ट्स मेन, पर्सनल कॉम्पिटेंस, सोशल कॉम्पिटेंस। पर्सनल कॉम्पिटेंस के तीन, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मोटिवेशन, फिर उनके सब पार्ट्स हैं। और सोशल कॉम्पिटेंस के दो हैं, सोशल स्किल्स और सोशल अवेयरनेस। ओके, तो ये डेनियल गोलमैन का दिया हुआ कंसेप्ट है। क्योंकि मॉडल भी इमोशनल कॉम्पिटेंस का उन्होंने ही दिया। फिर हम बात करते हैं इमोशनल कॉम्पिटेंस स्किल्स की। क्या कोई ऐसे कौशल भी हैं जो हमको तय कर सकते हैं कि हाँ हम इमोशनली कॉम्पिटेंट हैं अगर हमारे पास वो हो तो? तो ये कैरोलिन सारनी जी की दी हुई, इन्होंने डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल कॉम्पिटेंस पे एक बुक लिखी है, और वहां पे ये हमको बताती हैं कि 8 इमोशनल कॉम्पिटेंस स्किल्स हैं जो कि होनी ही होनी चाहिए हमारे पास अगर हम इमोशनली कॉम्पिटेंट होना चाहते हैं तो। सबसे पहली बात देखिए, हमेशा इमोशंस की, इमोशनल इंटेलिजेंस की, इमोशनल कॉम्पिटेंस की जब बात होगी तो पहला पॉइंट हमेशा निकल कर आएगा सेल्फ अवेयरनेस। सबसे पहले हम खुद को जानेंगे तभी हम सामने वाले को जान पाएंगे। अगर हम खुद से ही झूठ बोलेंगे, हमारे दिमाग में कुछ चल रहा है, हमारे दिल में कुछ चल रहा है और हम कह रहे हैं नहीं, उसको अस्वीकार कर रहे हैं, इसका मतलब कंफ्लिक्ट की स्थिति होगी और फिर हमारा ऑप्टिमम निकल कर नहीं आएगा। तो अवेयरनेस ऑफ वंस ओन इमोशंस, फिर एबिलिटी टू डिसर्न एंड अंडरस्टैंड अदर्स इमोशंस, दूसरे के पहले अपने इमोशन को पहचानेंगे फिर दूसरे के इमोशन को पहचानेंगे, फिर एबिलिटी टू यूज द वोकैब ऑफ इमोशन एंड एक्सप्रेशन, कहा जा रहा था ना कल कि इमोशनल लिटरेसी, तो उसमें यही सब तो हमको पढ़ा पढ़ाया जाएगा कि इमोशंस भी कितने प्रकार के हैं, कैसे एक्सप्रेस करना है, क्या उसकी वोकैब है, फिर कैपेसिटी फॉर एम्पैथेटिक इन्वॉल्वमेंट, यानी कि जब जब इमोशनल इंटेलिजेंस की बात होगी एम्पैथी को हम नहीं छोड़ सकते, एम्पैथेटिक इन्वॉल्वमेंट हमको रखना होगा, उसकी क्षमता हमारे पास होनी चाहिए, फिर एबिलिटी टू डिफरेंशिएट सब्जेक्टिव इमोशनल एक्सपीरियंस फ्रॉम एक्सटर्नल इमोशन एक्सप्रेशन। ना ये बहुत खास बात है कि हम विभेद कर पाए कि इमोशनल एक्सपीरियंस हर व्यक्ति का, देखिए ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता इमोशनल एक्सपीरियंस ना, तो सब्जेक्टिव ही होगा, हर व्यक्ति दूसरे तरीके से परसीव करेगा उसको, फ्रॉम एक्सटर्नल इमोशन एक्सप्रेशन। तो क्या वो जो परसीव कर रहा है, जो उसका, जो उसने फील किया है वही एक्सप्रेस कर रहा है, उन दोनों में अंतर है, एक सार है, मतलब जो हमारे मन में है वही हमारे बाहर है, या हम अंदर से बहुत दुखी और हम शो कर रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं। तो ये सब हमको डिफरेंशिएट करने आना चाहिए कि नहीं, कहीं ये आपके जो आपकी वाणी है और जो आपका चल रहा है इमोशन, वो दोनों एक सार नहीं है। फिर एडेप्टिव कोपिंग विद एवर्सिव इमोशंस एंड डिस्ट्रेसिंग सर्कमस्टेंसेस, है ना, हम कोप कर पाए अगर हमारे पास स्ट्रेसफुल सिचुएशन है तो। फिर अवेयरनेस ऑफ इमोशनल कम्युनिकेशन विद इन रिलेशनशिप्स एंड कैपेसिटी फॉर इमोशनल सेल्फ इफिकेसी, यानी कि इमोशनल कम्युनिकेशन के प्रति हम जागरूक हों, हमारे पास क्षमता हो कि हमारे इमोशनल सेल्फ इफिकेसी हो हमारे पास, तो इतनी कॉम्पिटेंस की स्किल्स हमको सारनी बताती है। और क्या हमको इसमें जानना है, क्या अंतर है इमोशनल कॉम्पिटेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस? बहुत मिलता जुलता लग रहा है ना, बहुत ओवरलैपिंग लग रहा है कि अच्छा उसमें भी इमोशंस को एक्सप्रेस करना है, इसमें भी करना है, क्या है? इमोशनल कॉम्पिटेंसीज ऑल्दो डीपली रूटेड इन इमोशनल इंटेलिजेंस बट ए हायर एबिलिटी दैट लीड्स टू परफॉर्मेंस। क्यों? क्योंकि हमको याद करना पड़ेगा कि जब हम डेनियल गोलमैन की इमोशनल कॉम्पिटेंस की मॉडल की बात कर रहे हैं, वो भी हमको यही कहता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस को वो किस एंगल से देखता है कि परफॉर्मेंस के लेवल पे, यानी कि ये जो इमोशनल कॉम्पिटेंसी है वो कुछ ऑब्जर्वेबल फिनोमेना है, वो कुछ एग्जीक्यूशन की बात है ना, ताकि वो दिखे, उससे हम परफॉर्मेंस तक पहुंच पाए, बढ़िया परफॉर्म कर पाए। तो ये हायर एबिलिटी है आप कह सकते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस से। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस इज प्लेस्ड एट द बेस ऑफ इमोशनल कॉम्पिटेंसीज, यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस, हमको इमोशनली इंटेलिजेंट होना पड़ेगा तभी हम कह सकते हैं कि इमोशनली कॉम्पिटेंट होंगे। मतलब ये नहीं हो सकता है कि कोई व्यक्ति इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है लेकिन इमोशनली कॉम्पिटेंट है। तो ये नींव है इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल कॉम्पिटेंस की इमारत खड़ी करने के लिए, विच इन टर्न आर एंटीसीडेंट ऑफ परफॉर्मेंस। और जब हम, अगर हमारे पास इमोशनली कॉम्पिटेंट होंगे तो ये कहा जा सकता है कि हम बढ़िया परफॉर्म करेंगे। सो दैट दिस सिंपल प्रेजेंस ऑफ ए हाई इमोशनल इंटेलिजेंस इज सिंपली नॉट एनफ, यानी कि सिर्फ हम इमोशनली इंटेलिजेंट है वहां से हमारी बात खत्म नहीं हो जाती है, हमको और वन स्टेप अहेड जाके इमोशनली कॉम्पिटेंट होना है, तब और तब जाकर हम
परफॉर्मेंस अच्छा दे पाएंगे. दिस मीन्स दैट पीपल विद हाई इमोशनल इंटेलिजेंस हैव द कैपेसिटी टू लर्न एंड डेवलप सर्टेन कॉम्पिटेंसीज. यानी कि कहा जा रहा है कि अगर हम हाईली इमोशनली इंटेलिजेंट हैं तभी वो बेस तैयार होगा जिस पर कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास इमोशनल कॉम्पिटेंस की स्किल आ जाए, हम वो सीख सकें. EI is somewhat innate while the emotional competencies can be learned and developed. वैसे तो ये बात हो रही थी कि emotional intelligence भी सीखा develop किया जा सकता है, लेकिन मान सकते हैं कि कुछ हद तक कि ये तो जन्मजात हो सकता है, हमको मिल सकता है प्रकृति से, हेरिडिटी से. लेकिन इमोशनल कॉम्पिटेंस हमको सीखना ही सीखना है, वो हमको सीखना है और विकसित करना है. इसके अलावा वेकमैन हमको क्या बताते हैं कि इमोशनल कॉम्पिटेंसिस कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द फैक्टर्स, होना चाहिए आई एम सो सॉरी एक्टर्स आ गया, विदाउट द फैक्टर्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, है ना. यानी कि बिना इमोशनली इंटेलिजेंट हुए हम इमोशनली कॉम्पिटेंट नहीं हो सकते हैं. ये बेस है, ये प्री रिक्विजिट है. क्या इमोशनल इंटेलिजेंस, क्या बनाने के लिए, हमको इमोशनली कॉम्पिटेंट बनाने के लिए, विच सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ दीज कॉम्पिटेंसेज. दस अ पर्सन दैट इज केपेबल ऑफ प्रॉपरली रेगुलेटिंग हिज और हर इमोशंस हैज द पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग इमोशनल कॉम्पिटेंस थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन. यानी कि इमोशनली कॉम्पिटेंट होने के लिए हमको इमोशनली इंटेलिजेंट होना पड़ेगा. ये बात यहाँ से निकल कर आ रही है, ये दोनों में अंतर है. रूट, बेस, कॉज इमोशनल इंटेलिजेंस है, और आगे ऊपर हमको इमोशनल कॉम्पिटेंस मिलती है जो कि हमको बेटर परफॉर्मेंस की ओर ले जाती है. कंक्लूजन, क्या हम कंक्लूड करते हैं इमोशनल कॉम्पिटेंस के बारे में, कि इट कैन लीड टू इम्प्रूव्ड हेल्थ. इससे हमारा स्वास्थ्य भी सुधर सकता है. कैसे? थ्रू अवॉइडिंग स्ट्रेस, जिससे हम स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं. क्यों? क्योंकि हम सही इमोशन का सही जगह एक्सप्रेशन कर रहे हैं. दैट वुड अदरवाइज रिजल्ट फ्रॉम सप्रेसिंग इमोशन. यानी कि दबा रहे हैं हम इमोशन को, कहीं शो नहीं कर रहे, हर जगह रोक रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारी मेंटल फिजिकल हेल्थ बिगड़ेगी. इट कैन ऑल्सो लीड टू इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप्स. इससे हमारे रिलेशनशिप्स भी बढ़िया होते हैं. क्यों? सिंस इन अप्रोप्रिएट इमोशंस आर लेस लाइकली टू बी एक्सप्रेस. क्योंकि हम जान जाते हैं कि कौन से अनुचित संवेग हैं जिनका हमको प्रदर्शन नहीं करना है. And appropriate behavior are not avoided through fear of triggering some emotion. और सही व्यवहार को, सही इमोशन को रोकेंगे नहीं, गलत को बताएंगे नहीं, तो अपने आप रिलेशनशिप सुधर जाएगा. इसमें तो मतलब 100 बात की एक बात है ना. तो आई हैव कंप्लीटेड इमोशनल कॉम्पिटेंस 2 एंड आई हैव कवर्ड द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल कॉम्पिटेंस, जिसमें मैंने बात की है आपसे. अंडरस्टैंडिंग इमोशंस पे मैंने पहला वीडियो बनाया था, फिर इमोशनल डेवलपमेंट पे बनाया, फिर मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस पे बनाया, और आज इमोशनल कॉम्पिटेंस पे. तो मैंने ये अपना मतलब लॉन्ग अवेटेड ये टॉपिक था जिसपे मैं बात करना चाहती थी आपसे, वो मैंने आज कंप्लीट कर दिया है. सो थैंक यू ऑल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. ओके, एंड ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप एक्सप्लोर एजुकेशन 2. डन फ्रॉम माई साइड.